जब मैं लंदन से इंडिया वापस आया था और यही सोच के आया था कि इंडिया में एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्केल पे कुछ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और थॉट यही था कि ऐसे लोगों के साथ ही काम करना है जो, जैसे मैं बताया कि जिनको और कहीं से लोन नहीं मिलता, तो थॉट ये था कि ऐसे ही कस्टमर्स के लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है जिससे उनको आसानी से लोन मिल सके। जब हमने शुरू किया तो फिर लगा कि देखिए, लोन में क्या होता है कि अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जिसके बेसिस पे एक कोई तय करता है कि आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादातर लोग देखते हैं आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या सिबिल स्कोर, अगर आपने पहले कभी लोन लिया हुआ है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसमें क्या ट्रांजेक्शन है, कितनी आपकी इनकम आ रही है, कितने आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो देखते हैं लोग, और थोड़ा आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह देखते हैं, और कहीं कहीं पे आपसे कुछ गारंटी मांगते हैं या कोलैटरल मांगते हैं या ज़मीन के कागज़ मांगते हैं। तो ये सब जनरली आमतौर से देखा जाता है कि ऐसे बैंक्स लोन देते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये सब करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और सब लोग ये सब दे नहीं पाते, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना हो। लेकिन वो कैसे हो, राइट? तो फिर मुझे लगा कि देखिए, अगर आपके पास पास्ट फाइनेंशियल बिहेवियर नहीं है तो हमने मुझे लगा कि अगर चलिए नहीं है आपके पास, लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल उसमें से काट दूँ और बस बिहेवियर पे फोकस कर लूँ, उस पर कि ह्यूमन बिहेवियर पे, कि क्या आप में कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसको हम आइडेंटिफाई करके बोल सकें कि हाँ, इनकी वजह से आप, अगर आप लोग, आपको लोन दिया मिलेगा तो फिर आप उस लोन को भी ठीक से वापस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने कोशिश की कि हम कुछ साइकोमेट्रिक्स का काम शुरू करें, इसमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस शुरू करें कि लोगों का एक टेस्ट लें जिससे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पता चले, और उस पर्सनैलिटी से हमें पता चलता है कि ये लोन देंगे या नहीं देंगे। तो इसके लिए हम लोग ने IIT खड़गपुर के साथ टाई अप किया, पार्टनरशिप करी, और वहाँ पर उन लोग ने हमारे लिए एक टूल बनाया। तो इस तरह से शुरुआत की, और फिर वो जब टूल बनाया, फिर हमने उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक ऐप के ज़रिए डाला, उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम्स डाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, जिससे हम एक डिसीजन ले पाते हैं।